स्टूडेंट्स, वेरियंस एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम अगर एलोकेशन की टाइप मुख्तलिफ कर देंगे तो हमारा वेरियंस का एक्सप्रेशन जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं और फिर वेरियंस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करेंगे, जो अब सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, और उसको हम ड्राइव करेंगे अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो है सैंपल साइज की, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में वाइडली एप्लीकेबल है। इसमें हम हर स्ट्रेटम के साइज के अकॉर्डिंगली उसको सैंपल साइज एलोकेट करते हैं। अगर स्ट्रेटम साइज कम है तो वहां से कम सैंपल लिया जाएगा, जो स्ट्रेटम साइज ज्यादा है उसमें से ज्यादा सैंपल लिया जाएगा। यानी सैंपलिंग फ्रैक्शन इस तरह से ली जाएगी, सैंपलिंग फ्रैक्शन बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटम साइज। सो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल एलोकेशन को 1926 में बावलेंस ने डिस्कस किया था। एज आई सेड, दिस इज अ पॉपुलर एलोकेशन in stratified sampling, and the formula of this is small nh is equal to small n over capital N into capital NH. Students, as we have discussed, capital NH means the stratum size, the total number of elements in a strata. If this is stratum 1, that would be capital N1. If this is stratum 2, that would be capital N2. Similarly, small nh is the sample size from a stratum. If this is stratum 1, this will be N1, small n1. If this is stratum 2, small n2. So accordingly, yahan par stratum size, stratum to stratum mukhtalif hota jayega, aur अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्ट्रेटम हमारे पास हर स्ट्रेटम के लिए सैंपल साइज आता जाएगा, और वही जो सैंपल साइज आएगा उसी साइज को हम एक्चुअली एलोकेशन कह रहे हैं, या उसी साइज का सैंपल हम उस स्ट्रेटम में से सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट मॉड्यूल में वेरियंस ऑफ वाई बार एस टी को डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपको ये करना है कि जहां पर स्मॉल एन एच है वहां पर आपको प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फॉर्मूला पुट कर देना है, एंड जस्ट यू विल रिप्लेस द स्मॉल एन एच विद द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपोर्शनल एलोकेशन, देन यू विल ऑब्टेन द वेरियंस ऑफ वाई बार एस टी अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ये यहां पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अकॉर्डिंगली, तो आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, जिनमें से एक ये एक्सप्रेशन है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोपोर्शनल एलोकेशन के थ्रू यूज कर रहे हैं और उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन भी बन सकता है, एंड यू कैन आल्सो ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज अकॉर्डिंगली, यानी ये इस डब्ल्यू एच को कैपिटल एन एच स्क्वायर और कैपिटल एन में लिखकर इसके साथ इसको सिंप्लीफाई कर दिया है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो दीज आर जस्ट डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियंसेस ऑफ वाई बार एस टी अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन।